सेवेंथ पे कमीशन को मंजूरी, 14% बढ़ेगा वेतन, इस महीने आएगी बढ़ी हुई सैलरी। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन 1 नवंबर को सातवें वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के लिए सामंत पे कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है। सीएम वसुंधरा राजे जल्द ही इसकी घोषणा करेगी। मंजूरी के बाद कर्मचारियों के वेतन 14% बढ़ोतरी होगी। कैबिनेट सर्कुलेशन के अनुसार सरकार अक्टूबर से सातवां वेतनमान लागू करने जा रही है। सर्कुलेशन गुरुवार रात को भेजा गया था। प्रदेश में कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद 8,54,119 हैं। इसमें से करीब 1.70 लाख पद खाली हैं और 6,80,469 कर्मचारियों के वेतन बिल बन रहे हैं। अक्टूबर माह के लिए मिलने वाली सैलरी अब सातवें वेतनमान के हिसाब से बढ़कर मिलेगी। कर्मचारियों को अक्टूबर माह के लिए मिलने वाली सैलरी अब सातवें वेतनमान के हिसाब से बढ़कर मिलेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त विभाग इसे लागू करने की तैयारी में जुट गया है। इन विभागों में लगेगा समय। अब सातवें वेतनमान के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन बिलों के फिक्सेशन का काम शुरू होगा। छोटे विभागों तो यह काम 5-10 दिनों में हो जाएगा, लेकिन शिक्षा, मेडिकल, पुलिस जैसे बड़े महकमों में फिक्सेशन होने में कई महीनों का समय लगता है। बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2017 लागू। सातवें वेतनमान के तहत फिलहाल कर्मचारियों का वेतन और पेंशन ही बढ़ेगी। बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2017 लागू किया जा सकता है। हालांकि एरिया का पैसा अगले साल से 3-4 किस्तों में मिलेगा। भत्तों के लिए सरकार की ओर से बाद में फैसला लिया जाएगा।